कक्षा छठी विषय हिंदी इकाई दो बसंती हवा। देखो बच्चों, साल भर में कितने ऋतु आते हैं? छह। छह। कौन से ऋतु? वसंत, शरद और हेमंत, वर्षा, शरद, शिशिर। ऐसे छह ऋतु में साल भर का विभाजन होता है। ऐसे ही बसंत ऋतु में यानी वसंत ऋतु में जो हवा बहती है, ऐसे बसंती हवा का वर्णन कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता के अंदर बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। जो कविता का नाम है बसंती हवा, तो बसंती हवा इस कविता का हम पठन करेंगे। आपको मेरे साथ पठन करना है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी, सुनो बात मेरे, सुनो बात मेरी, सुनो बात मेरी। अनोखी हवा हूँ, अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्तवाला, बड़ी बावली हूँ। अभी क्या बताता है इसमें कि हवा कैसी है? बसंत ऋतु में बढ़ने वाली हवा कैसी है? वो अनोखी है, बहुत ही निराली है, एक अलग सी है। बावली आने बावली का अर्थ होता है सीधी साधी। मस्त मौला आने मौज करने वाली, उसके मन में मौज करने वाली हवा जो है वो इधर से उधर घूमती रहती है, फिरती है। जिसे मन आया उस मन में आया, यहाँ जाना है वहाँ जाना, ऐसी जगह घूमती फिरती रहती है। नहीं कुछ फिकर है, बड़ी निडर है, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी निडर है, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी निडर है। उसे किसी बात की फिकर नहीं, चिंता नहीं है, और निडर है, किसी से डरने वाली नहीं है, ऐसी बसंती हवा है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर हूँ अजब हूँ, मुसाफिर हूँ अजब हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। मुसाफिर यानी यात्री जो सही करते प्रवास करते, ऐसे यात्री को मुसाफिर कहते। ऐसी बसंत ऋतु में बहने वाली जो हवा है वो मुसाफिर है, जिधर जाते उधर घूमते, ऐसी बसंती हवा का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है।